अस्सलाम वालेकुम चल साहब। वालेकुम सलाम। क्या बैठो बैठो और बकरा में लगता चल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खरियत है जी? और जी सरकार से कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सब खरियत है? अल्लाह का करम मालूम। और जी चौधरी साहब अल्लाह की रहमत। अल्लाह पाक ने ते बारिशें बड़ियां अच्छियां कीतियां है। हां जी ते माशाल्लाह हर तरफ बहार आ गई है। देखो जी गल है ना कि मौसमियात ने क्या सी कि बारिशें बड़ियां अच्छियां होंगी। हां जी जी। लेकिन देख लो पिछले हफ्ते बड़ी अच्छी बारिश हुई। हां जी हां जी। पानी की फसलों की जरूरत ही नहीं रही। और तुम सुनाओ फसलों का सुनाओ। वो चोरी साहब अर्ज़ है कि पनीरी तो माशाल्लाह हम काफ़ी मतलब ना बेहतर हो गई है क्योंकि असी पनीरी ना हम असी कद्दू करके ते ला रहे हैं आस्ता आस्ता हम लानी शुरू कर दी है। ते बारिश भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। ट्यूबवैल साडा जिथे जिथे ट्यूबवैल ने वो भी साडा पेट्रोल दी भी बचा अपने डीजल दी बचत भी हो रही है। इस करके बारिश दे पर बहुत ज्यादा फायदा है। हुण इन्हां नूं इह करना चाहिए कि बारिशां मजीद होनी होनी है। जल्दी जल्दी जिहड़ी तुसीं अपनी पैली तैयार कीती ना खेत तैयार कीते पनीरियां दे मुंतकिल करो लाभ ला दिओ। अच्छा जी हुण टाइम है जी। ते जल्दी जल्दी कर लो ताकि मजीद बारिशां अगर होइयां ते फिर तुहाडे तो ना लगनी नहीं खेतां च पानी ज्यादा खड़ा हो जाता। ओ जी साहब गल सही है कि जदों पानी दी वाफर मकदार हो जाती है फिर क्योंकि लाभ लाना भी मुश्किल होंदी है क्योंकि सानू बेहतर चाहिए कि सानू जल्दी जल्दी हुण ना मतलब कोशिश करो जल्द तो जल्द है ना। बिलकुल जी बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके। बारिशां तो अपने इत्थे जनूबी पंजाब वाले काफ़ी हो गई हैं। आने वाले दिनों का दसो ना क्योंकि दूसरा ना अपना कपाह तो जो तिल वो ज्यादा ही खराब हो रहे नुकसान होना ही सी क्योंकि तिलों की जड़ी होंगी ना जड़ हाँ जी हाँ जी बड़ी नाजुक होंगी है। पानी की ना जरूरत इन्नी नहीं होंगी। खुश्क इलाके की फसल है अलबत्त हम की क्या जा सकता है जो भी मंजूर होंगे बारिशां तो मजीद होनी है। मेरा मशवरा है ये कि जेडे तिलां दे खेतां च या कपास दे खेतां च पानी जमा हो रहा है उन्हें नालियां च कढ दियो। अच्छा तक टक्के ला के ना पानी उन्दे च कढो। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਦ ਮੌਕੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਭੇ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਹਾਸਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਮਲੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਦਰਖਤ ਝਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ
मुश्किल दिक्कत पेश आंदी है ना तो फौरन मरीज नूं अस्पताल ले जाओ और खेतां च जदों वी तुहानूं अगे वी दस्सिया सी कि अगर तुसी मुंजी वगैरा या पानी लाना है ना वट्टा बन्निया ते वी तुसी लौंग अपना जरा ना खेत पानी वगैरह दो चारा भी जरा कटना मवेशिया वास्ते भी जिम्मे चरी कटनी या मक्की कटनी बड़े एहतियात की जरूरत है। ए जो जानवर होंगे ना मूजी जानवर इन्होंने ना चरी ते या मक्की ते या छोटिया झाड़िया उत्ते चढ़े होंगे बड़े होशोहवास नाल अपना काम करना। दूसरी गल मौसम गले सड़े फल नहीं खाने पानी उबलिया पीना है और जड़िया ना बासी चीजा नहीं खानिया। इस मौसम च अगर असी गले सड़े फल जिन्ना सुंडी बड़ी जल्दी पैदा होंगी खा लांगे ते ऐसे दी वबा फैल सकदी है उंदे तो बचन वास्ते बड़िया एहतियाती तदबीरां ने गले सड़े फल तो ग्रेस करो और पानी उबाल के पियो और पानी दी ज्यादा मकदार हर घंटे बाद तुसी ना पानी दे दो एक गिलास पियो ताकि जिहड़ा तुहाडा पसीना खारज हो के ना जिसम च पानी की कमी आंदी नमकियात की कमी आंदी बल्कि शिकंजी पियो नींबू और चीनी मिक्स करके वो पियो ताकि तुहाडे जिसम च जिहड़ी नमकियात की कमी ना पूरी रहे। ठीक है चौधरी साहब मेहरबानी।